तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं पहुंच चुका हूं खुशी के ड्रिल के दुकान में और मैं आज आपको बताऊंगा कि यहां के कुछ एक्सेसरीज के बारे में, जैसे कि ड्रिल मशीन, कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन, इन सभी चीज़ों के बारे में आज थोड़े डीपली जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। मेरा दावा है कि मैं इन चीज़ों के बारे में डीपली समझाने में मैं कामयाब रहूँगा। कम से कम नॉलेज के लिए इस वीडियो को पूरे देर तक, पूरे लास्ट तक देखें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे नंबर वन पे आता है आपका कटर मशीन। ये एक जैंट कटर मशीन है, इसे आप बहुत मोटा से मोटा लोहा भी काट सकते हैं। आज मैं आपको ये काट के दिखाऊंगा। एक प्रोफाइल है लेकिन छोटा सा टुकड़ा मैं आपको काट के दिखाऊंगा। ये आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, स्पीड कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं इसे काट के दिखाऊंगा। दो तरह के कटर आते हैं, एक ये कटर आता है, ये स्मॉल कटर है जिसको कहीं ले जाके कहीं काटा जा सकता है, और ये एक जॉइंट कटर है जो कि दुकान में यूजुअली इस्तेमाल होता है। ये मोटे से मोटे लोहा का काट देता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि लोहे से लोहा कटता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। लोहे से लोहा नहीं कटता है। ये एक आप देख सकते हैं, ये एक ब्लेड है जो कि लोहा से नहीं बना हुआ है, एक सैंड के कुछ और भी कंपोनेंट्स मिला के बनाया जाता है। उसी तरह से ये भी, इसका भी ब्लेड होता है। मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं ये एक ब्लेड है जो कि लोहा से नहीं बना हुआ है। तो पहले मैं बता दूं कि इसको करने से पहले कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स को आप पहन लें, जैसे कि ये ग्लास है, मैं पहन लेता हूँ। हालांकि ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं लग रहा हूँ, लेकिन चलिए फिर भी कट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये प्रोफेशनल की राय में ही करें, तो आज मैं कट करके दिखाऊंगा। एक मोटा सा प्रोफाइल है जो इसको मैं कट करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं किस तरह से इसने, कितनी अच्छी तरीके से इसने ये इसे काट दिया। और अब मैं दिखाऊंगा इस छोटे मशीन का कमाल। ये भी इसी टाइप का है, बस ये दिखने में छोटा है, मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये छोटा पैकेट बड़ा दबा रहा है। ये आप देख सकते हैं इसकी भी स्पीड कुछ उतनी ही है, देखिए स्पीड इसकी भी कुछ उतनी ही है। ये भी इसी तरह से वर्क करती है, मैं दिखा देता हूँ, ये भी कुछ इसी तरह से वर्क करेगी। तो इसका भी काम यही है कि ये कट करती है, ये हालांकि पतला लोहा कट करती है, ये मोटा से मोटा लोहा कट करती है। तो ये थी कटर मशीन। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ के शॉप में और मैं अब सेकेंड नंबर चीज़ को बताने वाला हूँ, जो कि एक ड्रिल मशीन। आप देख सकते हैं ये यहाँ का ड्रिल मशीन है। मेरी ऑनर से इसकी बात हो चुकी है, इसलिए मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसे बताता हूँ, इसका मैकेनिज़्म। ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका हैंडल है जिसे आप ड्रिल कर सकते हैं। किसी चीज़ को यहाँ पर रख कर आप इसे ड्रिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार कोशिश करूँगा कि मैं ड्रिल कर दूँ उससे पूछकर। तो सबसे पहले मैं पानी यहाँ का चालू कर देता हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होता है। तो बचने के लिए, हीट को कम करने के लिए मैं पानी यहाँ से चालू कर लिया, और मैं मोटर चालू करने जा रहा हूँ इसका। ये हो गई मोटर चालू, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड है। अब मैं कहीं पे भी एक ड्रिल करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कितनी सफाई से ये गया। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से इसने एकदम छेद कर दिया और कितनी बारीकी से। तो ये था ड्रिल मशीन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है इस दुकान के लिए, क्योंकि चैनल गेट बनाते वक्त इन छेदों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इनमें रिपीट डाला जाता है और फिर चैनल गेट भी बनाया जाता है, तो इस मशीन का बहुत उपयोग। तो ये थी ड्रिल मशीन। अब आते हैं वेल्डिंग मशीन में। मैं दो लोहा को लिया हूँ और आयरन है, इनसे स्क्वायर कहा जाता है, और इसी वेल्डिंग मशीन से यहाँ पे वेल्डिंग होती है। आप देख सकते हैं वहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा है। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट करूँगा, फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे वेल्डिंग होती आखिर किस तरह से है। तो ये आप देख रहे हैं इसका हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, इसमें रॉड लगाया जाता है,
ये अल्मोनियम पाउडर और फिर आयरन का पाउडर से फिर बनाया ये रिएक्शन कराया जाता है जिसको थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। क्लास टेंथ में ये पढ़ाया भी गया है और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो काफ़ी हीट रिलीज होता है जिसके कारण आयरन जो होता है वो पिघल जाता है और फिर ये आपका अल्मोनियम रिलीज़ कर देता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी एक ट्रायल के लिए आपको मैं वेल्डिंग एक करके दिखाऊंगा। काफ़ी डर तो है तो सबसे पहले प्रिकॉशन के लिए मैं चश्मा पहन लूँगा। चलो अब फिर से स्मार्ट मैन बन गया। तो ये है यहाँ पे ये आर्थिन दिया जाता है। आर्थिन ये है, आर्थिन का करंट, आर्थिन सब जगह सप्लाई हो रही है तो मैं ये रख लिया हूँ तो इसमें भी आर्थिन आ रही है। अब मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वेल्डिंग तो नहीं हुई फिर भी वेल्डिंग हो गई है। ये फिर से टूट गई है तो अब आपको यहाँ के वर्कर दिखाएंगे किस तरह से वेल्डिंग यहाँ पे की जाती है। तो वर्कर अंकल आपसे ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जोड़ कर दिखाएंगे प्लीज़। हालांकि ये काम थोड़ा सा टफ है अब फिर भी देखिए ये लगा रॉड इसमें, इसे ही थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज हो रहा है और देख सकते हैं दो मिनट के अंदर ये जैसे दो चुंबक की तरह हो और एक दूसरे से चिपक गए हो। अब इन्हें छुड़ाना किसी बच्चों के काम नहीं है क्या आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये ज्वाइंट हो गई है। मैं दिखा दूँ इसे देख सकते हैं काफ़ी मजबूती से जुड़ गया है। तो ये थी हमारी वेल्डिंग मशीन और चलिए और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं। काफ़ी गर्मी है पर देख सकते हैं आप, मैंने तो आपको बड़ी वाली मशीन दिखा दी जिससे वेल्डिंग होती है दुकानों में, लेकिन साइट्स पे जाके डिफरेंट साइट्स पे जाके जो वेल्डिंग होती है वो इस छोटी मशीन से होती है। देखने में काफ़ी छोटी है लेकिन ये काम बहुत ज़बरदस्त करती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसे भी वेल्डिंग होती है। ये आप देख सकते हैं ये आर्थिन का इसमें वायर निकला हुआ है जो कि निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और फिर ये होल्डर का वायर निकला हुआ है जिसमें आप वेल्डिंग रड को इसमें इंस्टॉल करके उसके बाद वेल्डिंग कर सकते हैं। काफ़ी हार्ड होता है ये और फिर ये इलेक्ट्रिक स्विच है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ ही आपको वेल्डिंग कर देगा। ये यही चीज़ बहुत सारे साइट्स पे इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके वेल्डिंग वगैरह किया जाता है और आयरन वर्क किए जाते हैं। यहाँ पे इस दुकान में मुझे पता चला है कि आयरन के साथ साथ स्टील वर्क भी किया जाता है। हालांकि मैंने ऑनर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टील वर्क के लिए रॉड को चेंज कर दिया जाता है, इसके लिए स्पेशल रॉड आता है और फिर जाकर वेल्डिंग की जाती है स्टील वगैरह में। और बहुत सारे डिफरेंट ब्लेड्स आते हैं स्टील को जोड़ने में, उनको साफ़ करने में फिर बाद में। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। हाँ, यहाँ के काम तो बहुत ज़्यादा ही टफ है, हम लोग से तो हो नहीं पाएंगे, यहाँ प्रोफेशनली कोई कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको बताया। चलिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता। तो जो फाइनल और लास्ट चीज़ जो बचती है वो है वेइंग मशीन। सारे चीज़ प्रोसेसिंग जब हो जाते हैं, जब इस तरह के गेट्स वगैरह जब बनाए जाते हैं, बन जाते हैं, तब इन्हें तौलने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा वजनदार चीज़ चाहिए जो कि टन्स को, मतलब टन वेट को भी जो तौल दें, जो कि वेट कर दे, तो उन सभी उतने हेवी वेट के लिए आपको यूज़ होता है इस टाइप के मशीन्स जो वेइंग मशीन है। इन पे आप टनों, मतलब बहुत टन के आप वेट इसमें वे कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके स्टार्ट करके मैं पहले बता देता हूँ, ये इसका मीटर हुआ जहाँ पर आपको सारा इसका दिखेगा कि कितना ये इक्वल आया।
और ये फिर जीरो का सिंबल दिखाया। अब मैं इसमें वेट देख के दिखाऊंगा कि ये देखिए तो ये बहुत ज़्यादा टन तक, बहुत ज़्यादा वेट तक ये सह सकता है और बहुत हेवी गेट इस पे, मतलब तौला होना चाहूँगा कि मैंने बहुत सालों से अपना वेट नहीं मेज़र किया है। तो चलिए मैं देखता हूँ कितना मोटा हुआ, कितना लंबा हुआ, मेरा वेट का क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखता हूँ इसका मैकेनिज्म किस तरह से ये वर्क करता है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मेरा वज़न अभी कितना है। तो ये मैं चढ़ गया, कांस्टेंट होने का थोड़ा प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। ओह, मैं 52 का हूँ। चलो, मैं 52 का हूँ और इसने तो एक्यूरेट मेज़र किया है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। मैं और भी इस टाइप के बहुत सारे एक्सेसरीज और भी होते हैं, और भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे उतने इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, पर फिर भी जितना था मैंने उन सभी को आपसे रूबरू कराया। तो कोशिश यही थी कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बता दूँ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से आखिर इनका उपयोग किया जाता है इन दुकानों में। तो इन वर्कर्स के साथ मेरा तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ की चीज़ों के बारे में जान के। और मैं कोशिश करूँगा, ये मेरी कोशिश थी कि इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरह से बता सकूँ। होप मैं अपनी कोशिश में काबिल हो पाया, मैं अपने एम को पूरा कर पाया। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा और बस यही कहना चाहूँगा कि जो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे हथौड़ा चलाइए या इसे 10 पास्कल, 20 पास्कल, किसी भी पास्कल से प्रेस कीजिए, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक बटन मेरे को दे दीजिएगा, प्लीज़।